अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाना स्ट्रॉबेरी माई गॉड इट्स अमेजिंग। अबशार में एंट्री लेने के लिए आपको पहले टिकट लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खैरियत से हैं, आगे का पता नहीं। तो आज हमारा प्लान दोस्तों के साथ बना हुआ है क्योंकि हॉलीडेज है साउथ कोरिया में। इनका वो चोसुक बोलते हैं, जैसा हम ईद मनाते हैं, ये लोग साल में चोसुक मनाते हैं, चार दिन की छुट्टियां हैं। तो हमारे दोस्तों का जो प्लान है वो तो काफी टाइम से बना हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम वो सक्सेसफुल हो गया है, सबको हमने इकट्ठा करके बिठा दिया है अभी। तो अभी हम जाएंगे कावांगदो, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर पे माउंटेनियस एरिया है, फॉरेस्ट है, ज्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन एरिया वहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत टूरिस्ट जाते हैं। और अभी जब जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम तो मुझे नहीं पता, मैं जिस मुझे सिर्फ जुनेद ने पिक्चर्स भेजी हैं, तो अभी जुनेद बताएंगे कि वो कहाँ पे। जुनेदा कागजी से नुम दी अच्छा। तो अभी हम इंशाल्लाह डायरेक्ट जाएंगे मस्जिद जाएंगे, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, तो वहाँ जुम्मे का नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर हम गोल्डन बेट केव जाएंगे। तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त केव में एक जगह बनी हुई है, उसका विजिट करेंगे। उसके बाद एक वाटरफॉल है वहाँ जाएंगे, ये है, ये भी कावांगदो में है, और एड्रेस इसका दुंगेशी जाएंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त सा वाटरफॉल बना हुआ है जहाँ पे कोरिया के हर कोने से लोग आते हैं विजिट करने, तो फिर वहाँ इंशाल्लाह जाएंगे। फिर वहाँ जाके साहिल है, तो साहिल पे जाएंगे, जो मशहूर कावांगदो का साहिल है। हाँ सर, उसका नाम बताओ। सुखचो बीच। हाँ सुखचो बीच, वहाँ मैं पहले भी गया हूँ। हाँ जगह बहुत ज़्यादा है, हमें अभी असल में नाम का पता नहीं है, ये कोरियन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन जहाँ जहाँ हम जाएंगे वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कीप इन टच। अभी हम यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर आए हैं, तो यहाँ से भूख लगी है, तो रेस्टोरेंट वगैरह साथ में नहीं है करीब में, इस वजह से कन्वीनियंस स्टोर पे आ गए हैं। यहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह ले गए यार, इसका टेस्ट है, ये थोड़ा सा, ये आपको पता है सही है? ये सही है, इसमें गोश्त वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, हलाल है। असद कैमरा इस तरफ कर लो, ये अगर आप देख ले तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, बनाना, हर किस्म के फ्लेवर मौजूद है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग बनाना और स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर के मिल्क होते हैं, ये भी फ्रेश मिल्क होते हैं। ये अभी आपने कौन सा लिया हुआ है? ये बनाना। अच्छा। तो ये इनके मशहूर है।
अभी भी 112 किलोमीटर फासला बाकी है, लेकिन यहाँ पे रास्ते में हाईवे में एक स्टे आ गया है प्यांगचंग के नाम से, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया हुआ है। दोस्तों ने कुछ स्नैक्स वगैरह लिए और मुझे कॉफ़ी की तलब हो गई है, तो अभी मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अपना ड्राइव स्टार्ट करेंगे। ये लो जी आ गया। तो अभी हम समहारो बीच पहुंच गए। ये पार्किंग लॉट है, आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। पीछे वो मेरे दोस्त हैं, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी हम आगे जाएंगे आबशार की तरफ, यहाँ पे थोड़े से फोटो क्लिक करके फिर जाते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग, ओ माय गॉड। ये यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, बहुत ही प्यारी जगह है। माशाल्लाह यार, ढेर खस्ता जगह है।